दोस्तों कैसे हो सब। दोस्तों देखिए, लुमिनस का इकोवाट 1050 जो है सेट है ये। देखिए तो ये रिपेयर होने के लिए आया हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे इकोवाट 1050, तो ये जो समस्या आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए सेट जो है बिल्कुल डेट है। यहाँ पे कोई भी बीप नहीं है, कोई भी एलईडी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा होगा मेरा चैनल में जो है, जो डेड कंडीशन में आता है ये जो हमारे डीसी फ्यूज, ये ख़राब होता है, या तो ये जो हीट सिंक के बीच में दो कैपेसिटर लगा होता है 35 वोल्ट का, ये जो है वीक हो जाता है, फूल जाता है या तो फट जाता है। उसके बाद जो है हमारे सेट जो है पूरी तरह से डेड हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे ये भी समस्या नहीं है। सेट जो है, देखिए कैपेसिटर आप देख सकते हो बिल्कुल सही है, और हमारे जो डीसी फ्यूज है ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको जो है बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुन सकते हो अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो। देखिए यहाँ पे कुछ भी बीप का साउंड नहीं है, हमने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीमीटर को लेंगे, लेकर के हम थोड़ा सा जो वोल्टेज है इसको जो है मेज़र करके आपको जो है दिखाएंगे कौन कौन सी जगह में आपको जो है वोल्टेज जो है चेक करना है आपको, अगर इस तरह से डेड कंडीशन में होता है तो। देखिए 13.69 हमारे बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी वोल्टेज जो है हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है यहाँ पे बता रहा है। तो ये देखिए हमारे डीसी फ्यूज का जो इनपुट है, इनपुट में भी देखिए हमारे जो वोल्टेज है बिल्कुल सही बता रहा है 13। और देखिए दोनों ही सिम के देखिए बैटरी का वोल्टेज जो है सही तरीके से जो है बता रहा है, यानी कि हमारे वोल्टेज जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे। और बीच का जो हमारे कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी जो है बिल्कुल सही है, आप देख सकते हो कुछ भी यहाँ पे फुला हुआ नहीं है। तो ये साइड साइड में जो रेजिस्टेंस लगा होता है, ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, और ये चारों चैनल में लगा होता है, और एक एक डायोड भी लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, तो सभी डायोड को भी आपको चेक कर लेना है वोल्टेज को। तो वोल्टेज को देखिए मैं मेज़र करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो डायोड लगा हुआ है और जो हमारे जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सभी में हमको जो है आउटपुट इनपुट दोनों में जो है हमको जो है वोल्टेज मिलना चाहिए। और ये इनमें से कोई भी एक अगर ख़राब हो जाता है तब भी जो है सेट जो है डेट बताता है, लेकिन कभी कभी जो है अलग ही प्रॉब्लम जो है दिखाने लगता है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो डायोड है और जो रेजिस्टेंस है सभी चैनल का जो है बिल्कुल सही बता रहा है। देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज जो है इन भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है सभी में। तो देखो ये डायोड में भी देखिए वोल्टेज इन हो रहा है, आउट भी हो रहा है। यहाँ पे एक और डायोड लगा हुआ है, तो इसमें भी देखिए वोल्टेज हमारे जो है इन में भी आ रहा है, आउट में भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस में हम वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए इसका जो इनपुट है आउटपुट दोनों में जो है हमको 12 वोल्ट मिलना चाहिए। तो दोस्तों देखिए वीडियो में बने रहिए, चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने का साथ साथ जो है ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा हमारे बैटरी का जो कनेक्शन है थोड़ा सा लूज़ है यहाँ पर देख सकते हो, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से लगाएंगे यहाँ पर। तो देख सकते हो हमारे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो इनपुट है आउटपुट दोनों तरफ में जो है हमको 12 वोल्ट जो है बिल्कुल सही यहाँ पे मिल रहा है, फिर भी हमारे सेट जो है ऑन नहीं हो रहा है। क्यों ऑन नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये जो हमारे हीटसिंक का जो सेंसर का जो पिन है इसका सिर्फ बगल में जो है एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो ये ट्रांजिस्टर में जो है आउटपुट में जो है हमको जो है 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो ट्रांजिस्टर का इनपुट में हम वोल्टेज को चेक कर रहे हैं, ये देखिए हमारे ट्रांजिस्टर का इनपुट में 12 वोल्ट इन हो रहा है, लेकिन आउटपुट में देख सकते हो 0.54 जो है मिली एम्पियर बता रहा है यहाँ पे, मिली वोल्ट में बता रहा है, जो कि यहाँ पे हमको जो है 5 वोल्ट जो है आउट होना चाहिए, तभी जा कर के जो है हमारे सेट जो है ऑन होने वाला है। हमारे जो यहाँ पे आईसी लगा होता है इसका पास ही में,
तो यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर का लोकेशन यहाँ पे है। तो ये ट्रांजिस्टर को हम जो है चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट लगा होता है सभी SMD में है। तो थोड़ा सा आपको जो है ध्यान से यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह अगर निकालते हो तो ध्यान से आपको निकालना है। और ये जो लुमिनस का जो किट होता है इसमें प्रिंट जो है डबल प्रिंटेड होता है, यानी कि दोनों तरफ से इसका प्रिंट होता है। तो कोई भी कंपोनेंट्स अगर SMD है ऊपर से अगर लगा हुआ है तो उसको निकालने में थोड़ा सा आसान है, लेकिन इस तरह से जो ट्रांजिस्टर वगैरह जो हमारे बिना SMD का लगा होता है या जो कैपेसिटर वगैरह लगा होता है थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको निकालने में। ये ट्रांजिस्टर है देखिए, इसका नंबर जो है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर हम दे देंगे। तो नंबर बिल्कुल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे पास 1050 का सेम जो है किट पड़ा हुआ है, वहाँ से जो है ये ट्रांजिस्टर को हमने निकाला है। और इसमें भी जो है नंबर जो है बहुत ही बड़े से लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है हमको अच्छी तरह से। तो इसको चेंज करेंगे, चेंज करके हम जो है सेट को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वोल्टेज भी जो है हम मेज़र करेंगे यहाँ पे आउटपुट में। और इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको मार्किंग ऑलरेडी बना हुआ है हमारे सर्किट में जो है PCB में ऊपर तरफ में, तो डायरेक्शन देख करके लगाना है आपको। सोल्डरिंग अच्छी तरीके से करना है यहाँ पे। तो एक और डेट जो है कंडीशन, अगर सेट में जो है लुमिनस का इको वोल्ट में अगर इको वाट में सॉरी इको वाट में अगर सेट जो है हमारे डेट हो जाता है उसमें जो है एक और समस्या है। तो उसका भी जो है वीडियो हमारे चैनल में जो है पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ पे। उसमें जो है ये प्रॉब्लम नहीं है, उसमें अलग प्रॉब्लम है, लेकिन सेट जो है बिल्कुल डेट है वहाँ पे भी। तो ये देखिए हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, बीप का साउंड आप सुन पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम जो है वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो हमारे सेट पे जो है बीप का साउंड आ चुका है। तो 12 वोल्ट आ चुका है। तो आउटपुट में देख सकते हो लगभग 5 वोल्ट जो है यहाँ पे आउटपुट बता रहा है। तो हमारे सेट जो है यहाँ पे ऑन हो चुका है। अभी इसको जो है हम इन्वर्टर के जो फैन है, फैन और जो डिस्प्ले है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये डिस्प्ले और फैन हमने कनेक्ट कर दिया है, अभी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो हमारे बैटरी के साथ कनेक्ट करते ही हमारे फैन जो है चलने लगा है और सेट भी जो है ऑन हो चुका है। इको और इको मोड जो है यहाँ पे डिस्प्ले में बता रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।